हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, समुंदर में जितनी गहराई है और उसके अंदर जितने राज हैं, उससे भी कहीं ज्यादा राज डायनासोर की दुनिया का है। दोस्तों, जब भी हमें लगता है कि हम डायनासोर्स के बारे में सब कुछ जान गए हैं, उसी समय कुछ नया आ जाता है। कई साल बीत गए हैं इस महाजीव को धरती से गए हुए, लेकिन आज भी कई बार इनकी आहटें सुनाई देती हैं। आज भी इनके होने के कई बार सबूत दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे आपने कभी नहीं देखा होगा। आज हम आपको डायनासोर से जुड़ी 10 ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजातियां कहां पाई जाती थी? वेल, ये बात तो आप ही जानते ही होंगे कि जो सबसे छोटे साइज के डायनासोर होते थे, वो किसी पक्षी से ज्यादा बड़े नहीं होते थे। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़े वाले डायनासोर की लंबाई कितनी होती थी, तो शायद आपके होश उड़ जाएं। दोस्तों, सबसे लंबे डायनासोर्स को अर्जेंटीना सोर्स कहा जाता था। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अपने सिर्फ आगे वाले पैरों पर खड़े हो जाते थे, तो कई बड़े बड़े पेड़ों की लंबाई को भी पार कर जाते थे। दोस्तों, अर्जेंटीना सोर्स न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर्स थे, बल्कि कहा जाता है कि ये दुनिया पर रहने वाले अब तक के सबसे बड़े जीव भी थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे बड़े जानवर तो थे ही, लेकिन इनके अंडे नारियल से ज्यादा बड़े नहीं होते थे। दोस्तों, इन्हें पूरी तरह बड़ा होने में 40 साल का समय लग जाता था। ये 26 फीट ऊंचे और 121 फीट लॉन्ग होते थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े और कितने खतरनाक होते होंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए ना कि 3 स्कूल के बस को आपस में मिला दीजिए, ये डायनासोर उतने बड़े होते थे। इनके वजन के बारे में कहा जाता है कि ये 12 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर होते थे। तभी तो इनके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई इनसे बचने के लिए किसी पेड़ पर भी चढ़ जाता था, तो उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि ये अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए हर जीव को खत्म कर देता था। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे डायनासोर से मिलवाते हैं जो कि होते तो थे वेजिटेरियन, लेकिन फिर भी ये हद से ज्यादा खतरनाक होते थे। दोस्तों, इनके 3 सींग होते थे, 2 सिर के ऊपर और 1 मुंह के ऊपर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये डायनासोर्स की तरह दिखाई देते थे और किसी के ऊपर भी हमला कर देते थे। ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थे और कोई भी इनसे भिड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों, इनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी इनके कर्व सींग, जिसके दम पर ये किसी भी बड़े जीव को जान से मार देते थे। ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर वाले जीव कहलाते थे। ये 10 फीट टॉल और 30 फीट लॉन्ग थे, जबकि इनका वजन 4 से 6 टन होता था। दोस्तों, जहाँ भी ये जानवर होते थे, वहाँ किसी और जानवर की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, ये जानते हुए भी कि 3 सींग वाले डायनासोर वेजिटेरियन होते थे। वैसे भी पुराने जमाने में कहा ही जाता था कि 3 सींग वाले जानवर से बच के रहने में भलाई होती है। अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे तेज डायनासोर से। दोस्तों, कहा जाता है कि ड्रोमोसियोमिमस सबसे तेज गति वाले डायनासोर होते थे, जो कि 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागते थे। हालांकि एक और किस्म के डायनासोर होते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सबसे तेज भागते थे, लेकिन दोस्तों उस डायनासोर के मुंह में कोई दांत नहीं होते थे। लेकिन ड्रोमोसियोमिमस बहुत ही खतरनाक होते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विशालकाय शरीर और ऊपर से इनके पास जबरदस्त स्पीड, ये दोनों ही डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, कई ऐसे सबूत मिले हैं जहां पता चलता है कि ड्रोमोसियोमिमस ने बहुत ही खूंखार तरीके से कई जानवरों का शिकार किया था। इनकी वजह से जंगल में दूसरे जीव का रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दोस्तों, इनके सिर पर 2 सींग होते थे, इसलिए इन्हें बुल डायनासोर्स भी कहा जाता है। ये जानवर 13 फीट टॉल और 30 फीट लॉन्ग होते थे, जबकि इनका वजन 2 टन के आसपास का होता था। लेकिन दोस्तों, इतना भारी भरकम होने के बाद भी ये इस शरीर के साथ तेज गति से भागने के लिए भी सफल हो जाते थे, क्योंकि इनका थाई मसल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता था। दोस्तों, क्या आपको जुरासिक पार्क मूवी याद है? ऑफ कोर्स याद ही होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म में डायनासोर को जितना बड़ा दिखाया गया था, ये डायनासोर्स की प्रजाति इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन यकीनन ये बहुत ही जानलेवा होते थे। दोस्तों, ये झुंड बनाकर शिकार किया करते थे और इनके हमले से बचना किसी के बस के नहीं थी। दोस्तों, ये 6 फीट लंबे होते थे, जबकि इनका वजन 33 पाउंड होता था। डायनासोर्स की एक और प्रजाति होती है जिसे हम उटर भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इस डायनासोर के पहले नमूने 1975 में जिम जेंसन्स द्वारा मेओब शहर के पास पूर्व मध्य यूटा में डाल्टन वेस्ट क्वेरी में पाए गए थे। अक्टूबर 1991 में इस जानवर के बड़े पंजे के निशान की खोज की गई। दोस्तों, ये उटा ट्रैप्ड डायनासोर्स न सिर्फ मीट खाते थे, बल्कि इतने तेज गति से भागते थे कि इनसे बच पाना किसी भी छोटे जीव के लिए संभव नहीं था। दोस्तों, ये भी झुंड में ही शिकार करने के लिए जाने जाते थे
और कई बार अकेले भी खाने की तलाश में निकल जाते थे। 2001 में इनके कुछ और भी निशान मिले थे जिनसे पता चला कि ये कितने खतरनाक जीव हैं। दोस्तों, ये 23 फीट लॉन्ग और 6 फीट टॉल होते थे जबकि इनका वजन 1100 पाउंड होता था। उड़ने वाले डायनासोर। जी हाँ दोस्तों, पंख वाले डायनासोर पक्षियों से भी पहले उड़ना सीख चुके थे। चीन में असाधारण इस लंबे पंख वाले डायनासोर के जीवाश्म का खोज किया गया है जो कि डायनासोर के उड़ान के बारे में रोमांचक जानकारी प्रदान करता है। चोंग्युप्टर यांगी नाम का 125 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का यह जीवाश्म पूर्वोत्तर चीन के लियोनिंग प्रांत में पाया गया। इस डायनासोर के जीवाश्म के पास एक लंबे पंखों का जोड़ा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उड़ान की गति को कम करने और जमीन पर सुरक्षित उतरने में मददगार रहा होगा। इस डायनासोर के पास लंबी पूंछ सहित बहुत बड़े पंख थे जो कि इसके पूरे शरीर को ढके हुए थे। दोस्तों, अब हम आपको डायनासोर के बारे में कुछ और मजेदार फैक्ट्स बताते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में डायनासोर ही पहले जीव थे जबकि इनसे भी पहले कुछ जीवों का अस्तित्व था। इसमें ऑर्चोसोर्स और पेलिकोसोर्स जैसे नाम लिए जाते हैं जो डायनासोर से तकरीबन 20 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौजूद थे। डायनासोर नाम की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है खतरनाक छिपकली। वैसे इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1842 में सर रिचर्ड ओवेन ने किया था। इतने पहले का जीव होने के बावजूद बोलिविया में डायनासोर्स के फुटप्रिंट सामने आने की बात कही गई। मतलब हड्डियों और दांतों तक तो ठीक है लेकिन फुटप्रिंट मिलना आश्चर्य तो पैदा करता ही है, पर यह सच है। कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि कुछ डायनासोर्स की उम्र 70 से 300 साल के बीच रही होगी। और हाँ, डायनासोर को बेशक सबसे बड़ा जीव माना जाता था लेकिन ब्लू व्हेल उससे बड़ी जीव है जो आज भी मौजूद है। डायनासोर का अस्तित्व धरती के सभी महाद्वीपों में था, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी। मोसेसोरस, इस्चेसोरस, पेटरोसोरस, प्लेसिसोरस और डिमेंड्रो को भी सामान्यतः डायनासोर ही समझा जाता है, पर हकीकत ये है कि सिर्फ जमीन पर रहने वाले जीवों को ही डायनासोर्स कहा जाता है। सामान्यतः डायनासोर्स को प्रकृति के साथ संतुलन न बिठा पाने के कारण लुप्तप्राय माना जाता है, किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने धरती पर 165 मिलियन वर्षों तक राज किया जबकि इंसानों का युग अधिकतम 2 मिलियन वर्ष का ही माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर्स भी कोल्ड ब्लडेड थे तो वहीं कुछ वार्म ब्लडेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अधिकांश डायनासोर्स वेजिटेरियन ही थे। दोस्तों, और भी तमाम इन्फॉर्मेशन इन विशालकाय जीवों के बारे में बताई जा सकती है जो आने वाले सालों में इनके बारे में लोगों की रुचि और भी बढ़ा दी जाएगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, पर महत्वपूर्ण ये है कि उनके युग से मनुष्य क्या कुछ सीख सकता है और कैसे अपने काल को बेहतर बना सकता है, किस प्रकार प्रकृति के साथ संतुलन के नियम को वह साध सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन डायनासोर्स के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के नर्मदा के तटीय इलाकों में नए डायनासोर की प्रजाति की खोज हुई है जो नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले पाए जाते थे। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने गुजरात के नर्मदा नदी के इलाके में व्यापक खोज अभियान चलाया था और इस दौरान उन्हें कुछ जीवाश्म हाथ लगे। इन डायनासोर के सर की बनावट कुछ अलग तरह की है। इस अभियान में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल थे। ये डायनासोर की एक अलग प्रजाति थी और इसका नाम राजासोरस नर्मदोसिस रखा गया है। इसका नाम राजासोरस नर्मदोसिस इसलिए रखा गया क्योंकि ये नर्मदा घाटी में पाया गया है। इस खोज से डायनासोर्स के अध्ययन में मदद मिलेगी। अब तक ये माना जाता है कि एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है उससे भी पहले ऐसा ही कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया हो जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में इतना बदलाव आया कि डायनासोर और बाकी जीव जंतुओं का कद इतना ज्यादा बड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर इससे आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।